वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंचर। दोस्तों, आज अपने शॉर्टिंग एल्गोरिदम की सीरीज में आज हमने पढ़ने वाले हैं क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। आज देखेंगे कि क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम होता क्या है, इसे करते कैसे हैं और इसके एल्गोरिदम पार्ट को देखते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम के एल्गोरिदम पार्ट पे जाने से पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि क्विक शॉर्ट करते कैसे हैं। देखिए, क्विक शॉट में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एक हमारा पिवोट एलिमेंट होता है। आप इसे कोई से पाइवोट एलिमेंट बोलता है या पिवोट एलिमेंट करता है। सपोज हम पिवोट एलिमेंट होता क्या है, हम इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सपोज हमारे पास एक एरे है, ये हमारे पास एरे है 8 9 5 2 1, ठीक है। पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट करने से पहले हमारा रूल होता है कि क्विक शॉर्ट में हमें सेलेक्ट करना होता है कि पिवोट एलिमेंट कौन सा है। तो पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट करने का रूल वही है, हमें इसमें हम यहाँ लेते हैं लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 का फ्लोर वैल्यू। दैट मींस यहाँ लो क्या है एंड हाई क्या है। अब देखिए, हम इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 का बात करेंगे। यहाँ पे लो का मतलब क्या हुआ है, जीरो इंडेक्स। इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स का बात कर रहे हैं लो का मतलब। हाई का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट, हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू, हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू का हम बात करेंगे। दैट मींस यहाँ पे लो इंडेक्स क्या हो गया, जीरो। लो की वैल्यू जीरो हो गई एंड हाई की वैल्यू फोर हो गई। दैट मींस 0 + 4 / 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 4 / 2 = 2। तो हमारा इंडेक्स वैल्यू 2 निकल के आया, तो हमारा पिवोट एलिमेंट 5 हो गया। ओके, तो हमारा पिवोट एलिमेंट निकल के 5 आया। एक ये तरीका है कि हम लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 करके पिवोट एलिमेंट निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या है पिवोट एलिमेंट फाइंड आउट करने का, कोई भी हम पिक पिक एनी एलिमेंट इन एरे is as pivot element। इस एरे में से जो 8 9 5 2 1 दिया हुआ है, आप इसमें से 8 भी पिवोट एलिमेंट हो सकता है, 9 भी हो सकता है। दैट मींस पिवोट एलिमेंट इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। थर्ड क्या बोलता है पॉइंट, आपका पिक पिवोट एलिमेंट एज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। दैट मींस हमारा इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि पिवोट एलिमेंट सिलेक्शन के लिए हमारा इंडेक्स वैल्यू 0 होगा। दैट मींस पिवोट एलिमेंट क्या आया, 8 आया। एंड लास्ट पॉइंट हमारा, जब हमने फर्स्ट पिक पिवोट एलिमेंट एलिमेंट एज लास्ट एरे वैल्यू, That means हमारा 1 भी पाइवोट एलिमेंट हो सकता है। तो क्विक शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पाइवोट एलिमेंट फाइंड आउट करना। पाइवोट एलिमेंट करने का एक तरीका क्या है, एक हमारा हो सकता है लो प्लस हाई, लो का मतलब लो इंडेक्स वैल्यू, हाई का मतलब हाई इंडेक्स वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 से हम पाइवोट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम एलिमेंट जो भी हमारा गिवन एरो दिया हुआ है, हम उससे भी पाइवोट एलिमेंट रैंडमली कोई भी चूज कर सकते हैं। थर्ड क्या बोलता है, पिक पिवोट एलिमेंट एज अ फर्स्ट एलिमेंट, हमारा फर्स्ट एलिमेंट भी पिवोट एलिमेंट हो सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या होता है, पिवोट एलिमेंट हमारा ये लास्ट पॉइंट भी हो सकता है। जब हमने पिवोट एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, पिवोट एलिमेंट सिलेक्ट करने के बाद हमारा टारगेट क्या होता है कि जो भी पिवोट एलिमेंट होते हैं, सपोज हमारा इस एरे में, सपोज हमने इस एरे को लिखा 8 9 2 5 1, सपोज हमारा पिवोट एलिमेंट क्या है, 2, हमारा 2 है, ठीक है। 0 1 2 3 4 हमने 2 रखा, 2 वैल्यू है, यहाँ इंडेक्स यूज नहीं कर रहे हैं, 2 वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, 2 से लेफ्ट साइड ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज
लेस देन। दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ जो भी पिवोट एलिमेंट होगा उससे वैल्यू लेस होना चाहिए एंड राइट साइड ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन पाइवोट एलिमेंट। दैट मीन्स दो से बड़े राइट साइड होना चाहिए पाइवोट एलिमेंट का और दो से लेफ्ट साइड जितने भी होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए। ये हमारा रूल है। सपोज हम अगर हम इसे हम लिखते हैं कैसे, अगर हम इसे हम यूज करते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। सपोज अगर हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, देखिए एक सपोज हमारे पास एरे दिया हुआ है, हमने ये एरे बना लिया। एरे में कुछ एलिमेंट होंगे ऑब्वियसली 8, 9, 2, 4, 5, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, क्विक सॉर्ट एरे। हम उस एरे पे, उस एरे का कुछ भी नाम हो सकता है, लो हमने लो की वैल्यू क्या होगी स्मॉलेस्ट इंडेक्स वैल्यू 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी हाईएस्ट वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम इफ लो लेस देन अगर हाई है, हाई है तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन ऑफ पी ऑफ आई, पाइवोट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, पार्टीशन। यहां पर एक पार्टीशन एल्गोरिदम कॉल होगा जिसे हम लोग करेंगे एरे ऑफ लो एंड हाई, जिसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिर क्विक सॉर्ट करेंगे, क्विक सॉर्ट एरे। अब पार्टीशन होने के बाद क्या होगा, एरे लो इनटू पाइवोट माइनस एक पी ऑफ आई माइनस एक, देन फिर हमारा क्विक सॉर्ट एरे, उस एरे पे पी माइनस पी प्लस वन इनटू हाई तक उसे हम लोग कॉल करेंगे। ये हमारा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये पार्टीशन क्या होता है क्विक सॉर्ट में। दैट मींस व्हाट इज पार्टीशन, क्योंकि हमने क्विक सॉर्ट में लो समझ लिया, हाई समझ लिया और जब पाइवोट एलिमेंट सिलेक्ट किया तो उसके बाद क्या होगा अब देखेंगे। देखिए पार्टीशन क्या होता है, जब हम पार्टीशन करेंगे, ठीक है, जब हम पार्टीशन एल्गोरिथम करेंगे, पार्टीशन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे पार्टीशन एरे। हमने एरे पे अप्लाई किया किस पे, लो एंड हाई, लो एंड हाई। देन जब पार्टीशन किया तो हमारा एक पाइवोट आएगा, पाइवोट होगा जो हमारा एरे ऑफ हाई, सपोज हमने सबसे हाईएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया पाइवोट एलिमेंट, देन आई की वैल्यू जो होगी हमारी लो माइनस वन। लो माइनस क्या होगा, इंडेक्स कहां से होगा, इंडेक्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू। हम इसे एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। देन एक हम फॉर लूप चलाएंगे, जे इक्वल टू लो टू, जे लेस देन इक्वल टू हाई माइनस वन और जे प्लस प्लस तक। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम हर बार एरे ऑफ आई को, एरे ऑफ जे को हम कंपैरिजन करेंगे। अगर पाइवोट से लेस देन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आई प्लस प्लस करेंगे और स्वैप करेंगे एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे की वैल्यू को, ठीक है। देन लास्ट में क्या करेंगे, जब हम कंपैरिजन पहुंच जाएंगे एरे ऑफ आई प्लस वन एंड एरे ऑफ हाई को हम स्वैप कर देंगे, देन रिटर्न आई प्लस वन पर हमारा लूप खत्म हो गया। दैट मीन्स अगर हमारा कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन सपोज हमारे पास ये कंपैरिजन दिया हुआ है, तो सपोज हम देखते हैं ये 8, 9, 2, 1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अगर ये हमारा पाइवोट एलिमेंट है तो पाइवोट एलिमेंट से n माइनस वन तक ही कंपैरिजन होगा, दैट मीन्स 2 माइनस वन तक ही कंपैरिजन होगा, 1 तक ही कंपैरिजन होगा, 2 तक कंपैरिजन नहीं होगा। चलिए हम इसे एग्जांपल में देखते हैं और वो कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए हम कैसे, सपोज हमारे पास एक एरे है, हमारे पास एक एरे है, एरे दिया हुआ हमारे पास क्या 10, 80,
थर्टी, 90, 40, 50 एंड 70। हमारा टारगेट क्या होता है कि जो हमारा पिवोट एलिमेंट होता है उसे हमें राइट पोजीशन पे एरे पे प्लेस करना है, कि उस पोजीशन से जो भी लेफ्ट साइड में होंगे उस पिवोट एलिमेंट के बड़े होंगे छोटे होंगे, और राइट साइड में होंगे जो स्मॉलेस्ट होंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा, पहले लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आप देखो इसे हमने एरे में डाल दिया, एरे में डाल दिया, एरे में डाल दिया 100, 80, 30, 90, 40, 50। सपोज हमारा 50 है, ठीक है, यहां पर एरे की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमने हाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5, ठीक है, 5 है, ये हमारा 0 और ये हमारा 5। हमने लास्ट एलिमेंट चूज किया पाइवोट एलिमेंट इक्वल टू 50, ये हमारा क्या हो गया, पाइवोट एलिमेंट, पाइवोट एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या लिखा था, एक जे लूप चलाएंगे, जे इक्वल टू लो टू हाई माइनस वन, हाई माइनस वन मतलब 0 टू हाई माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 5 माइनस सॉरी, हम देखिए ये हमने थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, हाई माइनस वन तक हम एक लूप चलाएंगे। हाई माइनस वन क्या था, 1, तो आगे हमारा लूप 0 टू 4 तक लूप चलेगा, जो हमने बात किया था पाइवोट एलिमेंट से एक कम तक लूप चलेगा 0 टू 4 तक। अब देखो जब हमारा जी इक्वल टू 0 है तो हम क्या कंपेयर करेंगे, एरे ऑफ आई सॉरी एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल टू पिवोट, ठीक है, पाइवोट एलिमेंट, पाइवोट एलिमेंट क्यों। अब देखो ये हमारा जी हो गया, आई यहां पर आई क्यों हो गया, आई इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, लो माइनस हाई, आई इक्वल टू लो -1, तो लो ऑलरेडी 0 है -1, तो इसको क्यों मतलब कि ये आ गया, तो आई हमारा आ गया आई और जे यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जे इक्वल टू 0 हम करते हैं, तो जे इक्वल टू 0 करते हैं तो एरे ऑफ जे कितना आया हमारा, 0 पर क्या है हमारा 10, क्या वो लेस देन इक्वल टू पिवोट एलिमेंट है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। देन हम क्या करेंगे, जब हमारा ये लेस देन इक्वल टू 10 है तो हम आई प्लस 1 को इंक्रीमेंट करेंगे, दैट मीन्स जब हमारा ये लेस क्या हमारा ये लेस देन इक्वल टू है, ये हमारा क्या हुआ, ट्रू कंडीशन हो गया, ट्रू कंडीशन। देन हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 0 थी तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये हमारा आई यहां से कट के यहां पर आ गया। देन स्वैप हमारा क्या होगा, स्वैप आई एंड एरे ऑफ जे, जब हम स्वैपिंग करेंगे तो बोथ आर द सेम पोजीशन, तो हमारा जो नेक्स्ट एरे आएगा वो क्या हो जाएगा, आप देखो 10, 80, 30, 90, 50 सॉरी 40 एंड 50, ठीक है। तो अब आई भी यहीं पर है और जे भी यहीं पर है, ओके, और पिवोट एलिमेंट हमारा है। फिर अगेन आई प्लस जे जे सॉरी जब हमारा स्वैपिंग हो जाने के बाद हमारा जे क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, ओके। अब देखो फिर हमारे कंपैरिजन क्या होगा, 80 क्या लेस देन इक्वल टू 50 है, नो फॉल्स, देन इंक्रीमेंट जे, देन जे इंक्रीमेंट, ओके। अब देखिए क्या फिर करेंगे, 30 लेस देन इक्वल टू 50 है, यस, देन इंक्रीमेंट आई, तो हमने आई को यहां पर पहुंचाया, आई को यहां पर लाया, देन स्वैप आई एंड जे, तो हमारा नेक्स्ट एरे क्या बन के आया, स्वैपिंग के बाद हम देखेंगे फिर से क्या हुआ, 10, 30, 80, 90, 40 एंड 50, तो दैट मीन्स हमारा क्या हुआ, आई हमारा यहाँ पर और जे जे हमारा यहाँ पर आ गया, तो जे प्लस प्लस तो जे यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। फिर हमारा 90, 50 लेस देन इक्वल टू है क्या वो, नो, हमारा 50 आएगा, फिर हमारा जे यहाँ तक गया,
क्या लेस देन इक्वल टू 50 है, तो आई प्लस प्लस, तो आई हमारा इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब हम देखिए आई हमारा इंक्रीमेंट हो गया, तो हमारा एरे क्या बन के आया, एरे बन के हमारे पास आ गया 10, 10, 30, फिर आई प्लस प्लस स्वैपिंग 40, देन 80, 90 एंड 50। देन हमारा क्या हो गया, जे आई यहां पर, जे यहां पर, ठीक है। अब जे और आई का स्वैपिंग हो जाएगा जो हमारा पीवोट एलिमेंट है, तो हमारा आई प्लस वन क्या हुआ, आई प्लस वन यहां पर, तो हमारा स्वैप करके फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारे पास, फाइनल रिजल्ट आया 10, 30, 40 एंड 50, देन 80, देन 90। तो फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया करेक्ट पोजीशन ऑफ पाइवट एलिमेंट जो अपने राइट पोजीशन पे चला गया। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे क्या राइट पोजीशन से लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट है वो लेस देन पाइवट एलिमेंट है। यस, 40 इज लेस देन 50, 30 इज लेस देन 50 एंड 10 इज लेस देन 50। अब 50 से राइट साइड में हमारा क्या ग्रेटर देन एलिमेंट है, यस, 80 इज लेस देन ग्रेटर देन 50, 90 इज ग्रेटर देन 50। तो ये हमारा पिवोट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ। दैट मींस हम एक पिवोट एलिमेंट सिलेक्शन करते हैं, एक ओवरव्यू कैसे करते हैं देखिए। जब हमारा क्या होगा रूल सेलेक्ट हमारा क्या होगा, सबसे नोट नोट हम कैसे करेंगे देखिए। नोट का मतलब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए नोट क्या है, नोट फर्स्ट वन सेलेक्ट पिवोट एलिमेंट, देन टेक आई इक्वल टू -1, जे इक्वल टू 0, थर्ड कंपेयर जे एंड जे वैल्यू एंड पाइवट वैल्यू, चौथा इफ जे वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाइवट देन आई प्लस प्लस, फिर स्वैप आई प्लस प्लस विथ जे, अगर आई जे नॉट लेस देन इक्वल टू फाइव वॉट देन इंक्रीमेंट जे प्लस प्लस। ठीक है, और इस तरह हमारा वो फाइव वॉट एलिमेंट और क्विक शॉर्ट फॉर्म होके आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू।